विश्व में पहली बार रामनवमी के दिन हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में प्रभु श्री राम का आगमन शानदार तरीके से किया गया। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन आर्थिक राजधानी मुंबई में हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में एक विशेष और अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार मनोज दास ने प्रभु श्री राम की लाइव पेंटिंग बनाई। आपको बता दें कि इस पेंटिंग को बनाने में करीब 1.25 घंटे लगे और इसका निर्माण गंगा जल और चंदन से किया गया। एक तरफ प्रभु राम का लाइव पेंटिंग के द्वारा भक्तों को दर्शन मिला तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रख्यात बांसुरी वादक बलिंजर सिंह और अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक उस्ताद हानिफ खान की जुगलबंदी भी देखने को मिली। वहीं संगीतकार रवि जैन द्वारा ऑर्केस्ट्रा में भगवान श्री राम और देशभक्ति के गाने सुनने को मिले। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि भगवान श्री राम की लाइव पेंटिंग भरत कोठारी और उनके परिवार ने गाजे बाजे के साथ खरीदा है। आपको बता दें कि उन्होंने इस पेंटिंग को 5,50,000 रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर प्रभु श्री राम की पेंटिंग खरीदी। साथ ही ये जो पैसा है, जो पेंटिंग के द्वारा पैसा मिला है, वो पैसा बेजुमान जीवों पर किया जाएगा। ऐसा आयोजकों का कहना है कि इस पेंटिंग के जरिए जो भी धन इकट्ठा हुआ है इस प्रदर्शनी के जरिए, उसको हम बेजुबान जानवरों की रक्षा और उनके देखभाल पर खर्च करेंगे। आपको बता दें कि भगवान राम का दर्शन जो है लाइव पेंटिंग के द्वारा भक्तों ने देखा, तो इस बार की रामनवमी समस्त देशवासियों के लिए खास रही है, क्योंकि इस बार अयोध्या में भगवान राम का जो अभिषेक हुआ है वो सूर्य की किरणों से हुआ है, इसके लिए इस बार की रामनवमी को खास माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ भगवान राम की लाइव पेंटिंग से भक्तों को मुंबई में दर्शन मिले और जिस तरह से भक्तों के आस्था की बात करें तो लोग भगवान राम यानी भक्ति के और भगवान राम के गानों पर झूमते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार की रामनवमी लोगों के लिए खास रही है। रामनवमी के दिन ये मौका मुझे मिला, मैं सौभाग्य मानता हूँ। और मैं सभी बिल्डर जो बिल्डिंग का काम करते हैं, वह ये जीव दया के अंदर कितना भी पैसा खर्चा करते हैं तो वह उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिल्डर लॉबी के अंदर जब काम करता है आदमी तब उसको बहुत सारे जीव हत्याएं होती है। इसके लिए बिल्डिंग का काम करने वालों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी जीव दया के अंदर जहां पे भी इस तरह के बोलियां बोली जाती है तो चढ़ बढ़ के ऐसे कार्यों में भाग लेवे। ऑल ओवर इंडिया में ऐसे प्रोग्राम होते रहे और हार्दिक भाई ऐसे कार्य करते रहे और आप लोगों का मीडिया का सहयोग इनको मिलता रहे और हमारे जैसे लोग हैं उनका भी सहयोग हार्दिक भाई को मिलता रहे। वाह, एक कंसेप्ट ऐसे माइंड में आया कि भाई जब सोशल एक्टिविटी करते और पत्रकार जगत में मुझे 27 साल हो गए तो मुझे लगता है कोई करे उससे कुछ नया करूं। तो रामनवमी आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ऐसे गबोल जीवों के लिए किए ना के। मैंने भरत भाई कोठारी से बात की, मनोज दास से बात की तो मनोज बोला कि नहीं भारती भाई, मैं एक पैसा नहीं लूँगा, ये पोस्टर में जो भी है बोल जीवों के लिए यदि खर्चा होता है तो मैं रेडी हूँ। तो मुझे लगा ऐसे ही सब प्रोग्राम करने चाहिए और जिस तरह से मीडिया का सपोर्ट उसी तरह सपोर्ट मिलेगा तो हम सकारात्मक सोच का एक खजाना ये मीडिया बनेगा और हम सब ऐसे कार्यों में पुण्यशाली बनेंगे। हाँ, तैयारी करने जाओगे तो जरूर लोग जुड़ेंगे, जैसे आज आप लोग सब हमारे साथ जुड़े तो भरत भाई जैसे लोग मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यदि हम कोशिश करें तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैडम ये तो अच्छी बात है ना, सब लोग जुड़े, राम तो सबका भगवान है। राम आज देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, कलाकार भी सब थे, बजाने वाले सब थे, अपने पत्रकार जगत में भी मुझे लगता है सब हिंदू मुस्लिम सिख सब होंगे। तो भगवान रामनवमी के दिन इतना अच्छा विचार आया जी भरत भाई। राम भगवान नहीं है, राम आदर्श पुरुष राम है। आदर्श बनने के लिए सभी धर्मों को लोग के लोगों को आदर्श बनने की जरूरत है, तो हमें राम को मानना ही पड़ेगा और आदर्श बनना ही पड़ेगा।